बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज आपके साथ एक ऐसा DIY ओरेंज सीरम शेयर करूंगी जो आपके चेहरे पर बनने वाले दाग धब्बों को दूर करेगा। अगर आप भी किसी ऐसी सीरम की तलाश में हैं जो कि आपको घर में आसानी से केमिकल फ्री घरेलू चीज़ों से तैयार हो जाए, तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मेरा आपके साथ वादा है कि इस सीरम को इस्तेमाल करने के बाद आप चेहरे के तमाम दाग धब्बों से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेंगे। वीडियो को देखते रहें। जी, तो ऑरेंज सीरम बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑरेंज के छिलकों से ऑरेंज ऑयल तैयार करेंगे। ऑरेंज ऑयल तैयार करने के लिए आपको एक ऑरेंज चाहिए होगा और उसके साथ कोकोनट ऑयल। दो चीज़ों से जो है वो आसानी से हेयर ऑयल तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम ऑरेंज को अच्छी तरह से धो लेंगे। खुशक करने के बाद हम किसी ग्रेटर की मदद से इसके ऑरेंज पील जो है, सिर्फ इसका ऑरेंज वाला हिस्सा जो है उसे पील ऑफ करेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि स्किन को जवान बनाए रखते हैं, और इसके साथ इसमें विटामिन सी मौजूद होता है जो चेहरे में बनने वाले ब्लैमिशेज और पिम्पल्स के बाद रह जाने वाले दाग धब्बों को भी दूर करेगा। क्योंकि इस ऑयल का इस्तेमाल हम अपने सीरम में करेंगे, इसलिए मैंने सोचा पहले आपको ऑरेंज ऑयल बनाना सिखा दूं। ऑरेंज को आपने इसी तरह से बहुत ही एहतियात के साथ सिर्फ इसका ऊपर का ऑरेंज वाला पार्ट जो है वो अच्छी तरह से ग्रेटर से या कद्दूकस की मदद से उतार लेंगे, जैसे मैं उतार रही हूँ। याद रखिए कि इसका वाइट पार्ट इसमें शामिल ना हो, बहुत ही एहतियात के साथ आपने ये काम करना है। उसके साथ हम इसमें दूसरी चीज़ जो शामिल करेंगे वो हम शामिल करेंगे कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। नारियल का तेल जो है वो स्किन पर आने वाले और चेहरे पर आने वाली फाइन लाइंस को और एजिंग के असरात को कम करता है और स्किन को खूबसूरत और जवान बनाए रखता है। इसके अलावा नारियल के तेल चेहरे पर लगाने से ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन देर तक जवान रह सकती है। कोकोनट ऑयल सर्दी की वजह से जमा हुआ है, तकरीबन एक चम्मच के करीब मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और दो ऑरेंज को मैंने इस तरह से कद्दूकस की मदद से पील ऑफ किया है। अगर आप चाहें तो एक भी बहुत था, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि या तो हम डबल बॉयलर सिस्टम की मदद से इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, या फिर इसे डायरेक्ट भी पकाया जा सकता है जैसे कि मैंने पकाया है, वो मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। देखिए, इसको तकरीबन 3, 4 या 6 मिनट के लिए जब हम पकाएँगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए, आपके सामने अच्छी तरह से मैं इसे पका रही हूँ। आप इसी तरह से पकाएँ, चाहें तो डबल बॉयलर सिस्टम इस्तेमाल कर लें, वो भी बेहतर है। इसी तरह से आप इसे पकाते रहें, तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाए तो आप इसे अच्छी तरह से स्टेन करके किसी अच्छी सी बोतल में महफूज कर लें, क्योंकि ये हमें चाहिए होगा उस सीरम के लिए। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने छानने के बाद इसे साफ बोतल में रखना है। अगर आप चाहें तो इसके ये वाले पील जो हैं ये भी नीचे पड़े रहें और आप किसी बोतल में डाल लें। ये हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 चम्मच के करीब। आप ये ऑयल बना के रख लें, खाली भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके दाग धब्बों को दूर करेगा। अब आ जाते हैं सीरम की तरफ। तो सीरम में सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो होगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप घरेलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट का भी। दूसरी चीज़ चाहिए होगी इसमें ग्लिसरीन और जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच के करीब गुलाब का अर्क और बादाम का तेल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ इसमें चाहिए होगी वो होगा ऑरेंज जूस। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस लिया है। आजकल तो माल्टों का सीज़न है, आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद इसमें तकरीबन 2 से 4 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। मैंने मार्केट वाला एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया है क्योंकि ये इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हमने फ्रेश एलोवेरा डालेंगे अगर तो, क्योंकि ऑरेंज जूस भी फ्रेश है तो फिर हमें इसमें कंसिस्टेंसी वो वाली लाने में थोड़ी मुश्किल होगी। दूसरी चीज़, हम इसमें ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन भी आपकी स्किन को ग्लोई बनाती है, खूबसूरत बनाती है और यंग लुक देती है। तीसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे बादाम का तेल। क्वांटिटी आपके सामने है, आप अगर ज़्यादा जूस लेंगे या ज़्यादा बनाना चाहेंगे तो आप ज़्यादा कीजिएगा। मैंने 2 चम्मच के करीब ऑरेंज जूस लिया था तो उसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने, और अब ये वो मेन चीज़ है जो मैंने बनाई है आपके सामने, और वो क्या थी, ऑरेंज के पील्स का ऑयल और ये जैतून का तेल डाल दिया। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब तकरीबन
रोज़ वाटर, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं बनेगी क्योंकि ये सीरम है और सीरम ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, रनी है। और आप ये देखें, आपके सामने ये सीरम रेडी है लगाने के लिए। आपके साथ ये मेरा वादा है कि अगर आप 10 से 15 दिन इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप वाज़े तौर पर इसमें फ़र्क महसूस करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ये एहतियात कीजिएगा कि आप दिन के टाइम लगा के इसे सूरज में ना निकलें, क्योंकि ये ऑरेंज है। उसके बाद इसे महफूज करने के तरीके में आ जाएँ तो आप इसे सेव कर लें, किसी भी बोतल में सेव कर लें या फिर किसी भी इसी तरह से एयर टाइट कंटेनर में सेव कर लें। सेव करने के बाद आपको, अगर मैं लगाने की बात करूँ, आप 10 से 15 दिन इसे ईज़िली सेव कर सकते हैं। लगाने की बात करें तो तकरीबन आप दिन के वक्त भी लगा सकते हैं, लेकिन धूप में नहीं जाना। बेहतर है कि रात के वक्त लगाएं बिफोर बेड और सारी रात इसे लगा रहने दें। ये आपकी फाइन लाइंस को भी दूर करेगा, दाग धब्बों को भी दूर करेगा और यंगर लुक भी देगा, स्किन को ग्लोई भी बनाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये ऑरेंज से बनने वाली पहली रेसिपी थी आपके लिए, रेमेडी थी। आइंदा मैं आपके साथ ऑरेंज जूस से बनने वाली और भी फ्रेश ऑरेंज जूस से बनने वाली और भी रेमेडीज शेयर करती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए और साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। दुआओं में रखिएगा याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। रिज़ल्ट जो है वो देखिए आपके सामने है, इंशाल्लाह आप भी लगाएंगे तो ज़रूर दुआएँ देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।